बुलेटिन की शेड्यूल से इस वक्त एक खबर, जहां जिला अस्पताल में नवजात की मौत का मामला नहीं थम रहा है। जिला अस्पताल में तीन और बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत का मामला बढ़कर 11 हो गया है। ये पूरा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि ये संख्या 11 तक पहुंच चुकी है। 12 घंटे के अंदर दो और बच्चों की मौत हो गई। कई सवाल अस्पताल प्रबंधन पर भी खड़े हो रहे हैं, आखिर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, इतनी लापरवाही आखिर क्यों बरती जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार काफी गंभीरता के साथ काम कर रही है, और इसके साथ ही जबलपुर से भी एक टीम एक जांच दल पहुंचा शेड्यूल और जो इन बच्चों का इलाज कर रहा है। लेकिन लगातार यहां पे मासूमों की मौत का सिलसिला जारी है। तीन और मासूम की मौत हो गई है। अजय नामदेव हमारे संवाददाता अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। अजय, आखिर ऐसी वहां पे स्थितियां क्यों बन रही है? हाल ही में एक जांच दल भी वहां पर पहुंचा था, क्या कुछ खामियां वहां पे पाई जा रही हैं? जी हाँ कृष्ण जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिला अस्पताल में कुशाभाव ठाकरे जिला अस्पताल में बच्चों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी पिछले 12 घंटे में अभी लगभग तीन बच्चों की और मौत हो गई। पिछले 12 घंटे में दो बच्चों की मौत हुई है। मैं आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी धरना देकर ज्ञापन सौंपा था। और रही बात इस मामले की पता लगाने का कि आखिर किन कारणों से लगातार बच्चों की मौत हो रही, इसके लिए एक मेडिकल टीम आई हुई थी जबलपुर से, वो इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही थी। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो भोपाल सौंपा कि वहीं रीवा की भी एक टीम इस बात का पता लगाने अभी कल आई हुई है और पता लगा रही है। अभी प्रथम दृष्टि में पता नहीं चल पा रहा है कि आपके बच्चों की मौत किन कारणों से हो रही है। वहीं डॉक्टरों से, जिम्मेदार डॉक्टरों से बात करना चाहा तो उन्होंने बताया कि निमोनिया बीमारी के चलते जो है बच्चों की मौत हो रही है। लेकिन ये बात जो है जो टीम आई थी जांच करने, वो उनसे हजम नहीं हो रही कि निमोनिया बीमारी के चलते बच्चों की मौत हो। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि लगातार एक एक करके 11 बच्चों की मौत का बड़ा मामला शहडोल में जिला अस्पताल में सामने आया। करिश्मा जी, बिल्कुल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अजय, ये बताएं कि अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? हालांकि प्राथमिक तौर पे वो कह रहे हैं कि निमोनिया के चलते ये मौत हो रही है और बच्चे काफी सिवियर और क्रिटिकल केस में आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी समझना चाहिए कि ये अस्पताल प्रबंधन पर भी कई सवाल तो उठेंगे और जवाबदारी तो लेनी ही पड़ेगी। निश्चित तौर पर 11 बच्चों की मौत का मामला एक बड़ा मामला है जिसके कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करें अगर अस्पताल प्रबंधन की, तो अस्पताल प्रबंधन वही रटा रटाया जवाब दे रहा है कि निमोनिया के कारण जो है बच्चों की मौत हो रही है। लेकिन जो जांच दल और जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि निमोनिया के चलते जो है 11 बच्चों की मौत हो रही है। ठीक है, तो जांच दल की तरफ से क्या कहा जा रहा है अजय? हेलो जी अजय, जांच दल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, रिपोर्ट में क्या बात कही गई है? जांच दल से जब बात करना चाहे तो जांच दल मीडिया के सामने कुछ भी कहने से मना करा, तो उनका ये कहना था कि अपनी रिपोर्ट जो है वो भोपाल में सबमिट करेंगे। लेकिन जो जानकारी छनकर बाहर आ रही थी उसमें ये बात सारी जानकारी आ रही थी कि निमोनिया के चलते नहीं बल्कि स्टाफ के चलते जो है और डॉक्टरों की कमी के चलते ये बच्चों की मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जानकारी दे दूं कि पिछले एक डेढ़ माह से यहाँ पे जो है डॉक्टर नहीं है जिसके कारण भी मौत हो रही, स्टाफ की कमी है। कई ऐसी चीजें सामने आई हैं जो हैरत कर देने वाली। हैरत की बात यह है कि जिला अस्पताल में औसतन रोजाना एक बच्चों की मौत हो रही है। जी बिल्कुल, तो कुछ तो खामियां बिल्कुल रही होंगी। हालांकि अस्पताल प्रबंधन जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन जो अब ये देखना होगा जांच दल की रिपोर्ट में क्या सामने आता है। पूरी चीजें अभी कॉन्फिडेंशियल रखी गई है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा मामला है और बहुत ही गंभीर मामला है कि मासूम बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तीन और बच्चों की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि निमोनिया के चलते इन बच्चों की मौत हो रही है, सिवियर केस में ये बच्चे आए थे, क्रिटिकल केस में ये बच्चे आए थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो जांच दल की रिपोर्ट में जो बातें निकलकर सामने आई है उसमें ये कि स्टाफ की कमी है, बेड की संख्या कम है और ज्यादा बच्चों को यहाँ पे भर्ती किया गया, तो ऐसे तमाम तरीके की लापरवाहियां निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल थोड़ा सा इंतजार और करना होगा जब स्थितियां स्पष्ट होंगी, और इस पूरे मामले में सरकार ने भी काफी गंभीरता के साथ एक्शन लिया है। जांच दल की एक कमेटी बनाई है और अभी जैसे की जानकारी मिल रही है कि रीवा से भी एक कमेटी वहां पे पहुंचेगी, जांच करेगी कि आखिर क्यों वहां पे बच्चों की मौत की संख्या बढ़ती जा रही है और क्यों आखिर ऐसे हालात बन रहे हैं।